आज के बॉलीवुड काउंटडाउन में बात करेंगे कि क्या चुलबुल पांडे दिखेंगे सिंघम के साथ और पैरेंट टू बी दीपिका एंड रणवीर गए सिद्धिविनायक, साथ ही रामायण के सेट पर फैंस के साथ क्लिक के पिक्चर्स, और मनु भाकर है शाहरुख खान की फैन। नमस्कार, मैं हूं भाविका और शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। न्यू एंग्री यंग मैन बनेंगे सलमान खान। आफ्टर एन डिकेड फाइनली सलमान खान और साजिद नाडियावाला एक साथ काम कर रहे हैं सलमान खान की अपकमिंग मूवी सिकंदर में। जहां दोनों साथ नजर आए थे किक मूवी में, वहीं किक टू करने से पहले दोनों साथ नजर आने वाले हैं सिकंदर में। बॉलीवुड हंगामा रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान इस मूवी में सिस्टम के साथ लड़ते हुए नजर आएंगे। साथ ही सलमान खान इस मूवी में एंग्री यंग मैन होंगे, लेकिन अभी तक इस बात की कोई भी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं दी गई है। कब हो रहा है दीवारा का ट्रेलर रिलीज? एक्टर जूनियर NTRN जानवीर कपूर की अपकमिंग फिल्म दीवारा पार्ट 1 का ट्रेलर जल्दी ही रिलीज होने वाला है। ये मूवी सिनेमा घरों में 27 सितंबर को रिलीज की जाएगी। मूवी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बस क्रिएट है, जहां इसके सॉन्ग्स ट्रेंडिंग में हैं। वहीं 123 तेलुगु रिपोर्ट्स की माने तो इस मूवी का ट्रेलर 10 सितंबर 2024 को रिलीज किया जाएगा। करीना कपूर खान ने शेयर की BTS पिक्चर्स। करीना अपनी नेक्स्ट मर्डर मिस्ट्री के लिए तैयार हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म सिनेमा घरों में 13 सितंबर को रिलीज की जाएगी, द बकिंगम मर्डर्स, जिसे डायरेक्ट किया है हंसल मेहता ने। वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर BTS पिक्चर शेयर करते हुए लिखती हैं, शूटिंग इन एवरीवेयर, हर समय हॉट बैग ने साथ दिया, #TheBuckinghamMurders। हंसल मेहता से अच्छा कोई नहीं। जी हाँ, यही कहना है करीना कपूर खान का। वो जल्दी ही नजर आने वाली है द बकिंगम मर्डर्स में। वहीं फिल्म डायरेक्टर हंसल मेहता की तारीफ करते हुए वो कहती हैं, इनके बिना तो फिल्म ही नहीं हो पाती, ये शिप के कैप्टन हैं। हंसल मेहता ने सेट पर मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया, हंसल से अच्छा कोई नहीं हो सकता था। उनकी ये मूवी थिएटर्स में 13 सितंबर को रिलीज होने वाली है। शाओमी इंडिया ने बनाया कैटरीना कैफ को ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में शाओमी इंडिया ने कैटरीना कैफ के साथ अपनी पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट की है। कंपनी का कहना है कि कैटरीना कैफ बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस है एंड ग्लोबल आइकन के साथ साथ वो स्पिरिट ऑफ इनोवेशन, स्टाइल एंड एक्सीलेंस भी है। उनकी इमेंस पॉपुलैरिटी एंड फॉलोइंग हमारा कस्टमर बेस को बनाने में हेल्प करेगी। शाओमी इंडिया TVs, टैबलेट एंड स्मार्टफोन बनाता है। भट्ट के हक में आया फैसला। दिल्ली कोर्ट ने मुकेश भट्ट एंड विनेश भट्ट के हक में फैसला सुनाया है, जिसमें टी सीरीज को आशिकी वर्ड के लिए बैन कर दिया गया है, जिसकी वजह से टी सीरीज अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए कभी भी आशिकी वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। जहां मुकेश भट्ट का कहना है कि वो आशिकी फ्रेंचाइजी को बचा रहे हैं, टी सीरीज आशिकी वर्ड की कोर वैल्यू नहीं समझता है। साथ ही हम टी सीरीज के अलावा भी सबको ये बताना चाहते हैं कि आशिकी सिर्फ वर्ड नहीं, इमोशन है। मनु भाकर है शाहरुख खान की फैन। पेरिस ओलंपिक विनर मनु भाकर नजर आई कौन बनेगा करोड़पति में, जिसके बाद वो एक बार फिर से चर्चे में आ गई है। कौन बनेगा करोड़पति के एपिसोड में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। इस एपिसोड में सारे ओलंपिक्स मेडलिस्ट को बुलाया गया है। वहीं एक एपिसोड में मनु भाकर भी नजर आई, जहां उन्हें एक मूवी का सॉन्ग ट्रैक सुनाया गया और उसके बाद उनसे पूछा गया कि ये कौन सी मूवी है। मनु उस पर जवाब देते हुए कहती है, अगर बात रोमांस और लव की हो तो नाम तो शाहरुख खान का ही आता है। इस पर अमिताभ बच्चन मजाक करते हुए कहते हैं, देवी जी हमने भी बहुत प्यार मोहब्बत किया है। तो इस पे मनु हंसते हुए कहती है कि आपका नाम नहीं था सर। वहीं एक प्रमोशनल वीडियो में मनु भाकर अमिताभ बच्चन को ट्रिब्यूट देते हुए उनकी 2000 में आई हुई फिल्म मोहब्बते का डायलॉग कहने के लिए अमिताभ बच्चन से परमिशन लेती है। तो अमिताभ बच्चन इस पर कहते हैं कि अगर कुछ अच्छा है तो गो अहेड। तो वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग बोलते हुए कहती है, परा, प्रतिष्ठा और अनुशासन हमारे इस गुरुकुल के तीन स्तंभ हैं। इन तीनों के आधार पर हम तुम्हारे आने वाला कल बता सकते हैं। इसे सुनकर फैंस काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। मनु भाकर 2024 ओलंपिक्स की पहली पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन मेडलिस्ट हैं, जिन्होंने दो मेडल जीते हैं एक ही ओलंपिक में। वही अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति का 16th सीजन होस्ट कर रहे हैं। रामायण के सेट पर फैंस ने क्लिक की पिक्चर्स। नितेश तिवारी की अपकमिंग मूवी रामायण काफी ज्यादा चर्चे में है। वही रामायण के सेट से फोटोज आती ही रहती है। रामायण के सेट पर रणवीर कपूर भी फैंस के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आए। सेल्फीज में रणवीर कपूर बहुत कैजुअल टी शर्ट और कैप पहने हुए नजर आ रहे हैं। नितेश तिवारी की मूवी में रणवीर कपूर के साथ पहली बार नजर आएंगी साई पल्लवी, जिसमें ये दोनों लॉर्ड राम एंड सीता का किरदार निभाने वाले हैं। वहीं खबर आ रही है कि इस मूवी में रावण का रोल प्ले करेंगे यश। खबरों की माने तो रामायण के पहले पार्ट की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, बस VFX का काम बाकी है। वहीं ये मूवी दो पार्ट में बनाई जाएगी, जहां दूसरी पार्ट की शूटिंग जल्द ही शुरू की जाएगी और लगभग दिसंबर तक खत्म भी हो जाएगी। पहले पार्ट में लॉर्ड राम और सीता का बचपन दिखाया जाएगा, उसके बाद उन दोनों की शादी और 14 सालों का वनवास भी दिखाया जाएगा। वहीं इस मूवी के कास्ट एंड क्रू की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं की गई है।
बताया जा रहा है कि इस मूवी का बजट लगभग 800 करोड़ का है। वहीं रणवीर कपूर लास्ट नजर आए थे संदीप रेड्डी की मूवी एनिमल में, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही थी। पैरेंट 2 भी दीपिका एंड रणवीर गए सिद्धि विनायक। दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह दोनों की शादी 2018 में हुई थी। शादी के 7 साल बाद ये दोनों पैरेंट बनने जा रहे हैं। वहीं पैरेंट 2 भी दीपिका एंड रणवीर ब्लेसिंग लेने के लिए सिद्धि विनायक गए 6 सितंबर को। उनकी कई सारे पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। रिपोर्ट्स की माने तो दीपिका का बेबी सितंबर की लास्ट वीक तक होगा, जहां मंदिर में दीपिका ने ट्रेडिशनल आउटफिट पहना था, वहीं रणवीर ने कुर्ता पहना था। पिक्चर्स में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए नजर आ रहे हैं और दीपिका का बेबी बम साफ साफ नजर आ रहा है। वहीं हाल ही में दीपिका रणवीर ने अपना प्रेगनेंसी फोटोशूट भी कराया था, जिसकी पिक्चर्स दोनों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर भी की थी। दीपिका रणवीर के साथ उन दोनों की फैमिलीज भी वहाँ मौजूद थी। दीपिका ने अपनी प्रेगनेंसी फरवरी में अनाउंस की थी। वहीं दीपिका लास्ट नजर आई थी कल्कि 2898 AD में। ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी रही। इसके बाद दीपिका पादुकोण ने अपने काम से ब्रेक लिया फॉर मैटरनिटी लीव, ताकि वो अपने होने वाले बच्चे का ध्यान रख सके। दीपिका प्रेगनेंसी के कुछ दिन बाद तक अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हैं। उन्होंने अपनी मैटरनिटी लीव भी मार्च तक ली है, जिसके तुरंत बाद वो बिना किसी डिले के अपनी मूवी कल्कि पार्ट 2 की शूटिंग शुरू कर देंगी। वहीं अपनी बेबी और अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए रणवीर सिंह ने भी पैटर्निटी लीव ली है। क्या चुलबुल पांडे दिखेंगे सिंघम के साथ? अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन काफी चर्चे में है। वहीं खबर आ रही है कि सिंघम अगेन में चुलबुल पांडे नजर आने वाले हैं। कुछ र्यूमर्स का कहना है कि सलमान खान इस मूवी में कैमियो करेंगे। फैंस ने अपने एक्स अकाउंट पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें सलमान खान एंड अजय देवगन साथ नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर फैंस सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये दोनों साथ नजर आएंगे सिंघम अगेन में। रोहित शेट्टी ने भी अपने अकाउंट पर वीडियो शेयर की थी और लिखा था, सिंघम इज इनकम्प्लीट विदाउट दिस हीरो। इस दिवाली स्कॉर्पियो भी आएगी, घूमेगी भी, लेकिन एंट्री किसी और की होगी। इसलिए फैंस को लग रहा है कि चुलबुल पांडे और सिंघम एक साथ नजर आने वाले हैं। अभी तक इस बात को लेकर कोई भी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं दी गई है। वहीं जून में सिंघम अगेन अनाउंस हुई थी, तब से ही फैंस को इस मूवी का इंतजार है। ये मूवी दिवाली में रिलीज की जाएगी। वैसे तो सिंघम इंडिपेंडेंस डे में रिलीज होने वाली थी, पर किसी कारणवश ये मूवी पोस्टपोन हो गई दिवाली तक के लिए। शेट्टी ने अर्जुन कपूर का फर्स्ट लुक शेयर करते हुए लिखा था, इंसान गलती करता है और उसे उसकी सजा भी मिलती है, लेकिन अब जो आएगा वो शैतान है। कैन आई से इंट्रोड्यूसिंग अर्जुन कपूर। वही अर्जुन कपूर ने भी फोटो शेयर करते हुए लिखा, सिंघम का विलन। इस मूवी में अजय देवगन, अर्जुन कपूर के अलावा नजर आएंगी दीपिका पादुकोण और करीना कपूर खान। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज और अपडेट सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।